हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जमाना बदलते वक्त नहीं लगता, मैं, आप, हम सब लोग बदल रहे हैं, आदतें बदल रही हैं। बदलाव कभी बुरा नहीं होता, कुछ अच्छा ही लेकर आता है, लेकिन जिस रफ्तार से सब बदल रहा है वो चिंताजनक है। और कई बार इस रफ्तार में हम इस कदर खो जाते हैं कि कब जुर्म हमें अपनी चपेट में ले लेता है हमें पता ही नहीं चलता। हेलो, मैं हूँ रूबी और मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ कि आज मैं जहाँ पानी पूरी खाने वाली हूँ, इससे बेहतरीन पानी पूरी आपने पूरे भोपाल में नहीं खाई होगी। ये है हमारे शर्मा जी और अभी शर्मा जी हमें पानी पूरी खिलाएंगे। ये मेरी आ गई पानी पूरी और गाइस अमेजिंग, बहुत टेस्टी है। अच्छा, लोकेशन बताऊं? ताजुल मस्जिद के जस्ट पीछे वाली गली है। हाँ, और ये शर्मा जी की पानी पूरी सबसे बेहतरीन। जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे फैसले ही कभी कभी आपकी जिंदगी को खोखला कर देते। फिर आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है आप किसी से नहीं कह पाते, और फिर आपके पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। पिछले दो महीने में फ्रॉड के इतने सारे केसेस आए हैं? यस सर, टोटल 46 केसेस। और इसमें से कोई भी मर्डर का केस नहीं है? नो सर। इन सब केसेस में इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट मोटिव्स और सस्पेंस पे हुआ है, इसी वजह से ये सारे केसेस कभी आपस में कनेक्ट हुए ही नहीं है। ये शख्स काफी तेज और चालाक है सर। लो से भी ज्यादा तेज, या फिर हम सबसे? मीडिया ने हमारा मजाक बना के रखा हुआ है। ये आदमी मुझे जल्द से जल्द जेल के अंदर चाहिए, चाहे उसे क्राइम ब्रांच ढूंढे या तुम लोग। I don't care about anything and no excuses. Okay sir. Okay sir. Okay. अरे सानिया बेटा, इतना सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मम्मी, मैं वो रश्मि से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। धन्यवाद, मेरी पहली सैलरी का पहला गिफ्ट। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो। मैम, आपका ऑर्डर। थैंक यू। पिज़्ज़ा? वाओ दी, ये कितना अमेजिंग ब्रेसलेट है, मुझे दो ना प्लीज। नहीं, ये नहीं, ये गिफ्ट है। ओह, गिफ्ट किसने दिया? बॉयफ्रेंड ने ना? प्रेरणा, कोई पसंद है तुझे? हाँ मम्मी, आप किसकी बातें सुन रही हो, इग्नोर करो इसे। सुनना सानिया, एक लड़का है साहिल, बहुत अच्छा लड़का है, परिवार भी बहुत अच्छा है, रिश्ता सामने से आया है, एक बार मिल लेना तू उससे। तेरी शादी हो जाएगी ना तो मेरी भी आधी चिंता खत्म हो जाएगी। माँ, अच्छा ठीक है, बुला लो मेरी अच्छी बेटी,
आप लोग जूस लीजिए ना, प्लीज प्लीज लीजिए लीजिए। वैसे दीदी, लड़का और उसकी फैमिली तो अच्छे लग रहे हैं, हाँ बोल दोगी? रुक जा जरा, इतनी जल्दी भी क्या है? अगर इसको हाँ बोल दोगी तो ब्रेसलेट वाले का क्या होगा? रीना, तुम्हारा दिमाग ना आजकल बहुत चल रहा है, शांत बैठो। अगर कोई है तो बता दो मम्मी को, क्यों किसी और को देखना? कभी कभी ना हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता, इसलिए जिसमें सबकी खुशी है उसे हंसी खुशी मान लेना चाहिए। अरे देखिए सानिया आ गई, बेटा चाय दे दो। गॉड यार तू आ गई। इसमें ना कैश और गहने, सॉरी है, सिर्फ 45,000 ही हो पाए। सानिया तू पागल है क्या? तू इतना रिस्क उठाकर हमारी मदद करी है, ऊपर से उल्टा हमें ही सॉरी बोल रही है तू। ये 45,000 भी काफ़ी है। अच्छा वो अम्मी कह रही थी कि सुबह घर पर पुलिस आए थे। हाँ यार, मेरी मम्मी ने ना सीधे 100 नंबर डाल कर दिए। सानिया तू पकड़ी तो नहीं जाएगी ना? अरे मेरी जान, इतना आगे का क्यों सोच रहा? चल अब निकलो जल्दी, कोई देख लेगा। अरे जाओ, देख क्या रहे हो? सानिया तेरा ऐसा नाम कभी नहीं भूलेंगे यार। अब रुलाएगा क्या? अच्छा सुन, नीना का अच्छे से ख्याल रखना, तो घर वाले बाद में ऑनर किलिंग कर देंगे, और सबसे पहले तो मैं ही मारूंगी तुम्हें। चलो अब निकलो जल्दी। रीना मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। ऐसे अचानक क्या काम आ गया? काम नहीं, मैं अपनी दोस्त रश्मि के साथ शिमला जा रही हूँ। दीदी यार सच सच बताओ क्या कर रही हो तुम, वरना मम्मी मेरे कान पकड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला जा रही हूँ। कौन, वो ब्रेसलेट वाला बॉयफ्रेंड? हाँ उसी के साथ शिमला जा रही हूँ। मम्मी का ख्याल रखना ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ, बाय बाय। तुमने जितने पैसे मांगे थे उतने हैं, प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना। जमीन राजदीप शर्मा के नाम पर है, परवालिया सड़क के पास। रिसेंटली जमीन के एक हिस्से में खुदाई के निशान मिले, मजदूरों को बुला के खुदाई की गई तो वहां से उन्हें लाश मिली। सर गायब है इसका और बॉडी पर बहुत निशान है। इनफैक्ट सर बॉडी पर 4 ऐसी जगह हैं जहां से मांस काट के निकाला गया है। बॉडी पे से मांस काट के निकाला गया है, लेकिन क्यों? आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। इनफैक्ट समझ में ही नहीं आ रहा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कहां से करें। सर इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, गर्दन पे एकदम क्लीन कट है। टाइम? 25 जनवरी दोपहर 3 बजे से 8 बजे के बीच में। रेप हुआ था? बॉडी पे स्ट्रगल के कोई निशान तो ऐसे दिखे नहीं, लेकिन हाँ विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव थी। और एक बात सर, उसके हाथ पैरों पे कुछ ऐसे मार्क्स थे जैसे उसे किसी रस्सी से बांधा गया। जहाँ पर बॉडी मिली उसके आसपास के सभी एरिया की अच्छे से छानबीन करो, ऐसी जगह जहाँ पर किसी को बांध के रखा जा सके। ओके सर। और हाँ, विक्टिम की बॉडी से जो मांस के टुकड़े काटकर निकाले गए हैं, रिपोर्ट में उसके बारे में कुछ मालूम चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला।
शायद कुछ छुपाने की कोशिश की गई। आखिर अपराधी छुपाना क्या चाह रहा था? शायद कोई बर्थमार्क, जिसे आइडेंटिटी को छुपाया जा सके। चार बर्थमार्क, चलो मान लेते हैं बर्थमार्क होगा, कोई मूल होगा या फिर तिल होगा। अगर ऐसा है तो हो ना हो एक्यूज्ड कोई करीबी हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बिना विक्टिम के आइडेंटिटी के इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ाएं। सर, पूरे भोपाल में पिछले 6 महीने में 12 मिसिंग कंप्लेंट्स हमारे विक्टिम के बॉडी स्ट्रक्चर और ब्लड ग्रुप से मैच हुई है। इनमें से 22 से 26 साल की कितनी विक्टिम्स हैं? 5 केसेस हैं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम की उम्र भी 22 से 26 साल के बीच की होगी। ओके सर, तो मैं इन सब के बारे में पता करती हूँ और शुरुआत इन्हीं 5 से करती हूँ। कैश और गहने। आकाश, ये तुम क्या कर रहे हो? आकाश, मैं तुमसे कहा ना, हीना तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। हीना के साथ पक्का कुछ गलत हुआ है। गलत तो मेरे साथ हुआ है, तुम दोनों ने मिलके धोखा दिया है मुझे। आकाश छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो सबसे ज्यादा मुझे हुआ है, सबसे ज्यादा प्यार मैंने उससे किया है, आज उसकी वजह से मैं छिपता फिर रहा हूं। ये आबिद को कैसे पता चला कि हम दोनों यहां पे? वो सब छोड़ो, आप निकलो यहां से, जल्दी चलो। कब गायब हुई थी आपकी बेटी? शिप्रा घर से कितने बजे निकली थी? आपने अपनी बहन को लास्ट टाइम कब देखा था? आबिद, आपकी बहन हिना की हाइट क्या है? 5'4". मगर मैडम, आप हिना की हाइट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसकी बॉडी पर कोई बर्थ मार्क है? मुझे पता नहीं, पर शायद अम्मी अबू को पता होगा। मगर बात क्या है, हिना आपको मिल गई है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर मिली तो सबसे पहले आपको फोन करेंगे। जी मैम। जी मैडम, आपको कुछ और पूछना है? नहीं, थैंक यू। साले कुत्ते, हमारे घर की लड़की भगाएगा तू? आ, तुझे जान से मार दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। आज तुझे मैं जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा आज मैं तुझे। अबिद, 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 रुक। चाचा छोड़ो, अबिद, रुक। अबिद, मारा लेगा उसको। अबिद, जान से मारेगा उसको। सिंदा कैश और गहने। चलो अब निकलो जल्दी। सर, हमने 5 लड़कियों के घर वालों से बात कर ली है और इनमें से 2 लड़कियों की कटकाठी विक्टिम की बॉडी से मैच करती है। पोस्टमार्टम के मुताबिक विक्टिम की हाइट करीब 5'4" रही होगी। और सर, ये दोनों लड़कियां हिना मलिक और शिप्रा रस्तोगी, इनकी भी हाइट इतनी ही है। लेकिन सर, दोनों के घर वालों से बर्थमार्क जैसी कोई बात पता नहीं लगी। बर्थमार्क का इसलिए पता नहीं चला क्योंकि जो हमें उनके शरीर पर से मिला था वो दरअसल बर्थमार्क थे ही नहीं, वो टैटू थे जिसे हत्यारे ने निकालने की कोशिश की थी। ये देखिए, शरीर पर जिन 4 जगहों पर से मास्क को कुरेद के निकाला गया उनमें से ये टैटू लोअर बैक पर बना हुआ था। बाकी 3 जगहों से शायद मास्क को इसलिए कुरेदा गया ताकि हम गुमराह हो सकें। दरअसल जब परमानेंट टैटू बनाया जाता है तो स्किन के टिश्यूज डीपली बर्न होते हैं। जिस तरह से टैटू बनाया जाता है, स्किन का ऊपर का लेयर बर्न होता है और ठीक उसी के नीचे वाले लेयर्स भी थोड़े बहुत बर्न होते ही। इसी वजह से इन टैटूज को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। ग्रेट जॉब सूरज, शायद अब हम विक्टिम तक पहुँच पाए। सर, मैंने टैटू के फोटोग्राफ्स हर जगह सर्कुलेट करवा दिए। सर, ये टैटू शॉप की लिस्ट है और ये वो 2 टैटू शॉप है जो इतने इंट्रिकेट टैटूज करते हैं। लाइए सर, ये लिस्ट आप मुझे दे दीजिए, मैं टैटू शॉप पर जाके बात करती हूँ। मनीषा, आपकी आंखें देखकर लगता है कि आप उड़ना चाहती हैं, लेकिन कोई उड़ने नहीं दे रहा आपको। आपने बटरफ्लाई का टैटू बनवाइए, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सूट करेगा। हमें यहाँ टैटू बनाते हैं, आजकल न्यू ट्रेंड भी चल रहा है और
किसी को दिखेगा भी नहीं। नहीं नहीं यार सनी, यहाँ क्यों बनाना है? और ऐसी जगह टैटू बनाने का क्या ही मतलब है जो दिखेगा ही नहीं? और बटरफ्लाई नहीं, इट्स टू गर्ली। कुछ और ट्राई करते हैं? तो ठीक है ना मैडम, दूसरा देखते हैं। आप डिजाइन चूज कर लीजिए। आ गए हम। अरे 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 मेरा बच्चा, देखो देखो आज कौन आया है। क्या कहा डॉक्टर ने? टेंशन की कोई बात नहीं है सनी, बस वायरल हुआ है। टेंशन कैसे ना लूं? तुम दोनों तो मेरी दुनिया हो। मम्मी के पास जाना है। आ जा। खाना लाया मैंने, आप खा लीजिएगा। आज फिर भिंडी। ये टैटू आपके यहाँ कब बना है? हाँ शायद हो सकता है। ऐसा करो कि सारे क्लाइंट लिस्ट मुझे मैसेज करो शाम को। ओके ठीक है ठीक है। ये तो बहुत कॉमन टैटू है, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के टैटू बनाए हैं। अच्छा तो सारे क्लाइंट की लिस्ट भेजो मुझे शाम तक, ठीक है? नहीं नहीं मैडम, वो तो कॉन्फिडेंशियल होता है, ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो क्या वारंट लेकर आऊँ तेरे लिए? तब देगा, मर्डर केस है ये। नहीं नहीं मैडम, वारंट नहीं। अब आप वारंट लेकर आएंगी फिर मुझे लिस्ट देनी पड़ेगी, इससे अच्छा मैं अभी दे देता हूँ। लेकिन आप थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रख लेते हैं उसको। हाँ तो मुझे कौन सा मीडिया में रिलीज करना है, लिस्ट भेज देना। जी अच्छा रुकिए ना मैम, ये देखिए मैंने आपको मिस कॉल भेजी, तो ये मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए। सेव करना। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी टैटू किया मैंने। अच्छा प्लीज इसलिए नंबर सेव कर लीजिएगा ना। कर लूंगी सेव, लिस्ट भेज देना ध्यान से। अगर आप कहें तो मैम आपको भी टैटू। बाय। मैडम ये फोटो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ था, करीब 5 महीने पहले सानिया दीदी ने भी ऐसे ही टैटू बनवाया था। सानिया ने बॉडी के किस पार्ट पे टैटू बनवाया था? कोई फोटो वगैरह है? नहीं मैम फोटो तो नहीं है, लेकिन लोअर बैक पे बनवाया था, मैंने देखा है। जी यहाँ टैटू बनवाना है। यहाँ? हाँ जी। ओके ले डाउन। क्या कर रहे हो? लेकिन टैटू इज वेरी डेलिकेट आर्ट। टैटू बनाने से पहले मसल्स को लूज करना पड़ता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बस बस इजी इजी, 2 मिनट और। लो बन गया टैटू। ओके मेरे साथ चलो। कब से गायब है सानिया? सर 7 दिन से ज्यादा हो गए। आपने उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई? नहीं सर, एक्चुअली दीदी ने कहा था कि वो शिमला घूमने जा रही हैं। अपनी दोस्त रश्मिका शिमला जा रही है, तो इसलिए हमने कंप्लेंट नहीं लिखवाई। मैं कह रही थी अरे ऐसे कैसे वो बिना सामान और कपड़े लिए छुट्टी पे चली जाएगी। देखिए वो बोल के निकली थी कि किसी दोस्त से मिलने जा रही है, फिर इसे फ़ोन करके कहा कि छुट्टी पे जा रही है, लेकिन दूसरे दिन से फ़ोन बंद आ रहा है। फ़ोन बंद आ रहा है? जी। आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा? हाँ जी लगा था। सर मम्मी ने तो कहा था, लेकिन मुझे लगा दीदी ने जानबूझकर बंद किया होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि सर वो दीदी के हस्बैंड उन्हें बहुत परेशान करते हैं। एक मिनट, आप लोग गली नंबर 3 गांधीनगर में रहते हो ना? मैं आप लोगों से पहले भी मिल चुका हूँ। जी सर, करीब 8 महीने पहले हमारे घर में चोरी हुई थी। हाँ सर, वो हमारे ही थाने का केस था। इन लोगों के घर पे वो कैश और ज्वेलरी की चोरी हुई थी। इनिशियली हम लोगों को लगा था कि ये गगन गैंग का काम हो सकता है। हाँ याद आया, करेक्ट। तो उस वक्त सानिया की शादी होने वाली थी? लेकिन बिना जेवर के ही शादी हो गई थी, लेकिन बाद में वो लोग दहेज की मांग करने लगे, तो 1 महीने पहले दीदी घर वापस आ गई और तब से डिवोर्स का ट्राई कर रही हैं। लेकिन सर सानिया कहाँ है? आप लोग हमें कुछ क्लियर बता क्यों नहीं रहे? हमें एक सरकटी लाश मिली है जिसकी कमर में बिल्कुल वैसा ही टैटू है। नहीं नहीं सर, वो दीदी नहीं हो सकती। एक काम करते हैं,
आप लोग अपना डीएनए का सैंपल दे दीजिए, हम लोग यहाँ डीएनए टेस्ट करवाते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। वो दहेज के लिए नहीं, अपनी अय्याशी के लिए मुझे छोड़ के गई थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था, शानिया शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाती थी, और उसी मजनू के लिए वो मुझे छोड़ के गई। बॉयफ्रेंड क्या नाम था उसका? उसका नाम नहीं पता मुझे। आप लोग एक काम करो ना, उसके कॉल डिटेल्स निकालो, आपको सब पता चल जाएगा। ए, हमें हमारा काम समझाने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जा रहा उतना बताओ। 23 जनवरी को दिन के 3 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक तू कहाँ था? अब इतना कौन याद रखता है? आपको याद है कि आप उस दिन कहाँ थे? ये जो दिमाग चला रहा ना तू, अपने डिपार्टमेंट के लोगों के सामने चलाना, हमारे सामने नहीं। एक सरकारी ऑफिसर पे हाथ उठाने की कीमत जानते हो तुम? मिल गई कीमत? यूपीएससी क्लियर नहीं किया तूने, कोई सरकारी ऑफिसर ना है तू? यूपीएससी की तैयारी कर रहा ना तू? इतना तो मालूम ही होगा कि शादी के 7 साल के अंदर अगर वाइफ को कुछ भी होता है तो उसके पति को हम लोग सेक्शन 498A के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर दिमाग ठिकाने आ गया हो तो सवाल दोबारा सुन ले। 23 जनवरी को दिन के 3 बजे से लेकर 8 बजे शाम तक तू कहाँ था? कहाँ ना मुझे याद नहीं है, और जैसे याद आएगा आप लोगों को बता दूंगा। ओ भाई गार्डन है गए हैं, कसरत करने आ जा, निकल ले, चल बैठ इधर। जब तक याद नहीं आ जाता ना यहीं रहेगा तू। निकलता हूँ। तुम लोगों को तो छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा सबको। सर साने के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसने लास्ट कॉल प्रेरणा को किया था। प्रेरणा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, ऐसे अचानक क्या काम आ गया? उसके अलावा उसने 2 कॉल्स और किए थे, एक किसी आकाश गुप्ता को जिसका फोन फिलहाल बंद है, उसकी लास्ट लोकेशन भोपाल मेन मार्केट की थी, और दूसरा कॉल किया था उसने अपनी फ्रेंड रश्मि को। रश्मि? जब सानिया घर से बाहर निकली थी तो रश्मि से तो मिलने गई थी। क्या कह रही है, कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है मतलब? रश्मि मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकती, मुझे बस थोड़े से पैसे दे दे। अच्छा ठीक है। सुन ये मेरे पास रेंट के पैसे पड़े हुए थे, पर मुझे ना तेरे लिए टेंशन हो रही है, तो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने के लिए, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताऊंगी, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं कॉल करती हूँ। आई विश कि मैंने उसे फोर्स करके पूछा होता। रश्मि तुम किसी आकाश को जानती हो? हाँ सर, हम दोनों की एक कॉमन फ्रेंड है हीना। आकाश और सानिया एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं। इनफैक्ट हीना और आकाश को सानिया ने ही मिलवाया था। करीब 8 महीने पहले उन दोनों को भागने में भी सानिया ने हेल्प करी थी। इसमें ना कैश और गहने, सॉरी इतने काले गुब्बारे होता है। सानिया तू पागल है क्या? और वो दोनों भाग के इंदौर गए थे। एक मिनट, ये वाली हीना, यही है सानिया की दोस्त? हाँ सर यही है उसकी फ्रेंड। ये लड़की तो कब से गायब है? और इसका बॉयफ्रेंड आकाश, उसकी कॉल लोकेशन जिस दिन सानिया गायब हुई यही भोपाल की? सर 8 महीने पहले ही ये दोनों घर से भागे थे, और 8 महीने पहले सानिया के घर में चोरी भी हुई थी। हिना भी तो मिसिंग है। ये आकाश और हिना नहीं तो सानिया के घर में चोरी नहीं की? रश्मि क्या जानती हो तुम? सर चोरी ना हिना ने करी थी ना आकाश ने, चोरी खुद सानिया ने करी थी। देखो रश्मि जो भी पता है सब कुछ बता। सर उसके एक रात पहले सानिया ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा था कि वो कल साहिल से मिलने वाली है। पता नहीं उसके बाद वो साहिल से मिली कि नहीं मिली मुझे नहीं पता। ये क्या और क्यों बनवाया तुमने? क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? टैटू आर्टिस्ट जरूर कोई मेल था ना? हाँ कल का कल कोई फीमेल डॉक्टर देख और इस टैटू को काट के खरोच के या जला के निकाल दे। ठीक है बहुत खूबसूरत लग रही है। उठ। तूने बोला था शादी से पहले तूने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, देख चद्दर। साहिल ट्रस्ट मी मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। तेरी जुबान से ज्यादा ना ये चद्दर साफ है। मैं जैसी लड़की आप जो स्पोर्ट्स खेलती हो स्पोर्ट्स खेल के दौरान चुप। ये तू अपना मॉडर्न ज्ञान है ना अपने पास ही रख। अगर तू ये टैटू बनाने के लिए किसी मेल आर्टिस्ट के सामने अपने कपड़े खोलकर लेट सकती है
से ये प्रूव होता है कि तू बाकी बहुत कुछ करने के लिए अपने सारे कपड़े खोलकर सब कुछ कर सकती है। छोड़ेगी मुझे? जा, जाना, छोड़ के जाना। अगर तूने छोड़ा ना मुझे तो तुम पर फ्रॉड केस लगाऊंगा। और हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार को ये बताऊंगा कि शादी से पहले तुम्हारे 100 मर्दों के साथ संबंध थे। I will make sure कि तुम और तुम्हारी फैमिली कभी सुकून से न जी पाओ। ये जो है ना टैटू, कल तक ना निकाल ले। ए, क्या हो रहा है? वॉशरूम, वॉशरूम, वॉशरूम। चल। हेडलेस बॉडी का डीएनए फैमिली से मैच हो गया है। वो डेड बॉडी सानिया की ही है। आकाश का कुछ पता चला? हाँ सर, आकाश का पता चला। 23 जनवरी को उसने अपने कार्ड से होटल रूम की पेमेंट की थी और कस्टमर रजिस्टर में दूसरी कस्टमर सानिया भी थी। और तो और सर, आबिद और उसके दोनों चाचा भी वहाँ आए थे उन्हें ढूंढने के लिए। सीसीटीवी में सब दिख गया है। फिर तो ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है। रश्मि के मुताबिक सानिया ने आकाश और हीना की भागने में मदद की, उसके बाद से हीना गायब है। और ये आकाश, आकाश सानिया के साथ होटल में क्या कर रहा था? एक काम करते हैं, आबिद को उठाते हैं। साबित के फोन को ट्रैकिंग पे डालो और अलर्ट जारी करो। सर, आपने कुछ सुना? क्या सुना? कहीं से कुछ आवाज आ रही है। सर, शायद उधर से आ रही है आवाज। सर, तो बड़ी खराब है। मंजू, फटाफट गाड़ी निकालो, इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ओके सर। उस दिन सानिया और मैं होटल से साथ में निकले थे। यार सानिया, ये लोग तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। कहीं उन लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ तो नहीं देख लिया? हमने एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। यहाँ बाहर निकलना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। उसके बाद हम अलग अलग चले गए थे। हीना और तुम अलग कब हुए? लगभग 1 महीने पहले सर, इंदौर के होटल में हम दोनों साथ में थे। और फिर आकाश। हाँ। मैं कुछ घंटों के लिए बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो हीना? शॉपिंग करने। मैं कुछ देर में आती हूँ। इसके बाद वो वापस कभी नहीं आए। मुझे बाद में समझ आया कि जो ज्वेलरी और कैश सानिया ने हमें दिया था, हीना उसे भी साथ में लेकर चली गई थी। टीच कर दिया था उसने मुझे। उसके बाद तुम उसे ढूंढते हुए भोपाल वापस गए। आबिद ने तुम्हें कब पकड़ा? उसी दिन सर, जिस दिन मैं सानिया से मिला था। यह आकाश मुझे गड़बड़ लग रहा है, विक्टिम का प्ले कर रहा है, इस पर नजर रखना। वैशा वैशा वैशा, तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह गहरा। तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक डिजाइन है। जो मैं बिल्कुल यहाँ बालों के नीचे बनाऊंगा। यहाँ पर नहीं, पापा देख लेंगे ना, उनको पता चल गया तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगे। ब्रिगेडियर है ना पापा, सिर्फ बॉयफ्रेंड के लिए बनाना था। तो यहाँ बनाए? मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ, तुम अपने कपड़े चेंज करो, रिलैक्स हो जाओ, फिर हम शुरू करते हैं। सर और कुछ? हाँ बस ये एक लास्ट है, साहिल नाम है इसका। नंबर? 73421। हो गया सर, ये देखिए। नहीं बस इसका प्रिंट आउट दे दो। मिश्रा, एक लॉज का एड्रेस भेज रहा हूँ, ये अपना खबरी है ना मुकुल?
उसने बताया कि हीना का भाई आबिद और उसके रिश्तेदार उसी लॉज में छुपे हुए हैं। उठा के लाओ उनको। सर, ये कॉल डिटेल्स आ गई। डाटा में कुछ मिला? हाँ सर, सुबह सानिया मेन मार्केट गई थी, उसके बाद की मूवमेंट हमें पता है। 2 बजे वो सागर कैफे गई थी, 4:30 बजे रश्मि से मिली और 6:30 बजे वापस मेन मार्केट गई थी। 2 बार मार्केट जाने की क्या जरूरत थी? वो तो अभी पता नहीं चला सर, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उस दिन होटल सागर कैफे में रूम नंबर 206 में एक शख्स और मौजूद था। ये सानिया का पति वहां क्या कर रहा था? हिना के भी कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। 22 दिसंबर को वो इंदौर से भोपाल गई थी। सिरपुर के करीब उसका फोन ऑफ हो गया था। मैंने सिरपुर के कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट कर दिया। एक लड़की की लाश मिल चुकी है और दूसरी मिसिंग है। इन दोनों केसेस को हमें जल्द से जल्द सुलझाना होगा। हेलो, क्या सर, टोटल 4 लाशें हैं। इन लड़कियों की उम्र 20 से 25 साल की लग रही है। सर, जो हमें 12 मिसिंग कंप्लेंट्स मिली थी ना, लेकिन सर कंफर्म तो डीएनए रिपोर्ट के बाद ही होगा, क्योंकि बॉडी हाईली डिकम्पोज्ड हो चुकी है। इनका चेहरा पहचानना मुश्किल है सर। सर, कंफर्म हो गया है, जो हमें 4 डेड बॉडीज मिली थी उनमें से 1 लाश हिना की है। आबिद के साथ उसका डीएनए मैच हुआ है, बाकी भी आइडेंटिफाई हो गई हैं। और उन बाकी की बॉडीज पे जो स्क्रैचेस मिले उसमें भी सिर्फ एक ही एरिया पे टैटू हुआ है, और सारे विक्टिम्स ने सनी की शॉप से टैटू करवाया। सर, फेमस टैटू आर्टिस्ट है, 10 में से 8 लोग उसी के यहाँ से करवाते हैं। वो बात तो सनी से भी हमें मालूम चली थी, उसने जो लिस्ट दी थी। सनी का कातिल होना नहीं बनता। वही तो बात है सर, या तो ये सनी इनोसेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट। इससे ये भी प्रूव नहीं होता कि सनी मर्डर में इन्वॉल्व है। सर, वो आबिद को पकड़ लिया है। क्या हुआ? बन गया टैटू। पर मैं तो सो रही थी, कब बनाया टैटू? मेरे पास तुम्हारे लिए एक वीडियो है जो मैंने तब बनाई थी जब तुम सो रही थी। अब क्या करोगी वर्षा? क्या करोगी? पापा को बताओगी क्या? पुलिस को? पापा को बताओगी तो वो मार डालेंगे तुम्हें, और पुलिस को बताओगी बहुत बदनामी हो जाएगी तुम्हारी, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। डीडीआर साहब कैसे रहेंगे आप? मेरे पास एक रास्ता है। तुम ऐसा करो, सब भूल जाओ कि ऐसा कुछ भी हुआ। तुम इस वीडियो के बारे में किसी को मत बताना। ये वीडियो हमेशा मेरे पास सेफ रहेगी। अगर तुमने किसी भी तरह की कोई भी चाल चलने की कोशिश की, तुम्हें पता है ऐसी वीडियोस कितनी जल्दी वायरल हो जाती है। तब मैंने टैटू आर्टिस्ट सनी की ऑनलाइन हिस्ट्री कंगाली तो एक शॉकिंग बात पता चली। करीब 7 महीने पहले ऑनलाइन सनी को एक लड़की ने टैटू वाले फोटो पे टैग किया। वो टैटू सनी नहीं बनाया था। और तो और सर, कुछ दिन बाद उस लड़की ने एक और वीडियो बनाया था जो अकाउंट से डिलीट हो गया था। ये देखिए, सुसाइड करके केस क्लोज हो गया था, लोकल पुलिस को कुछ मिला नहीं था। सर, बोल क्या क्या किया तूने? सर प्लीज, मेरा हाथ छोड़ो ना, इसी से मैं आर्ट बनाता हूँ, मेरी रोजी रोटी है सर ये। प्लीज सर, आराम से सर। अब बताइए सर, क्या किया मैंने? प्लीज प्यार से बात करते हैं ना सर। सर फेस पे मत मारिए प्लीज, फेस से तो चाम है सर मेरा। तेरे 3 कस्टमर की डेथ हुई है और उसमें से एक ने सुसाइड कमिट किया है, और उसकी पर्सनल डायरी से हमें पता चला है कि तूने उसके साथ क्या किया था। सर टेक अ डीप ब्रेथ, हिंसा से दूर रहने में भलाई है। सर, सर, सर। हिंसा, हमारा काम इसी से चलता है। देख, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। हमारे पास उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है, वो मार्केट एरिया वाला, उसमें तू रोड क्रॉस करता हुआ साफ दिख रहा है, और वो सानिया भी। सानिया से सुबह मिला था ना तू? तो सर क्रॉस करने से क्या होता है? अब मार्केट में इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं। बात को ज्यादा घुमा मत। हिना, सानिया और बाकी लड़कियों का मर्डर तूने किया कि नहीं? क्या हुआ सर, असली कातिल मिल नहीं रहा क्या? सर, सर, सर। तेरे फेस का 4 में सब बिगाड़ूंगा ना मैं। उन लड़कियों का स्टेटमेंट है हमारे पास। सूरज एक काम कर, इसको अच्छे से तोड़ और इसके फेस और हाथ से शुरू कर सकते। अरे नहीं 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 सर, 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 सर मेरी बात सुनिए आप प्लीज। सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्ट का क्रेडिट लेता हूँ, दूसरे की आर्ट करूँ।
रेप हाँ मैंने किया, वीडियोस मैंने बनाई, ब्लैकमेल वो भी किया, लेकिन सर मर्डर मैंने मर्डर नहीं किया है सर। सर सर सुनो तो सही सर, मैं मान रहा हूँ ना कि मैंने रेप किया। सर देखो मैं हमेशा ऐसी लड़कियों को फंसाता था जो अपने घर वालों से डरती हूँ, उन्हें ब्लैकमेल करना इजी पड़ता है ना, लेकिन सर मर्डर देखो मैं हिंसा से दूर रहता हूँ, मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद है। अब देखिए सर आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको बताया ना खुद कि मैंने रेप किया। यार मुझे लगा था कि मेरे हस्बैंड को मैं टैटू बहुत अच्छा लगेगा, पर वो तो बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट का निकला। उसने जैसे ये टैटू देखा ना, उसे पता चला कि किसी मेल आर्टिस्ट से मैं टैटू बनाया है, वो इतना गुस्सा हो गया कि क्या ही बताओ। प्लीज मेरा ये टैटू इरेज कर दो ना। अब एक मेल टैटू आर्टिस्ट तुम्हारा टैटू रिमूव करेगा तो उससे तुम्हारे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, मैं उसे बताऊंगी कि किसी फीमेल आर्टिस्ट ने निकाला। ठीक है, तुम जूस कंप्लीट करो और उसके बाद लेट जाओ, मैं रिमूवल का सामान लेके आता सानिया। यार सानिया क्या कमाल की चीज हो तुम। सानिया में कुछ अलग बात थी, उसे भूल नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, लेकिन सर वो मुझे नहीं पसंद करती। अब इंसान मुझे पसंद नहीं है तो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ ब्लैकमेल किया। लो तुम्हारे पैसे, प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना। उस दिन सर वो मुझसे मिलने ही आई थी, जब सीसीटीवी में आया वो मुझसे मिली और चली गई, उसके बाद वो होटल गई थी ना सर। उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था तुम, पीछा कर रहा था उसका? नहीं नहीं सर, उसकी दोस्त मेरी भी दोस्त थी, रश्मि। एक सेकंड, रश्मि तेरी भी दोस्त थी? हाँ हाँ सर, बेस्ट फ्रेंड थे हम दोनों। एक सेकंड, रश्मि तेरी भी दोस्त थी? हाँ हाँ सर, बेस्ट फ्रेंड थे हम दोनों। नहीं नहीं मैडम, आप उससे ऊपर हो, वो तो बाद में आते हैं मैडम, आप तो नंबर वन हो। अच्छा सर तो मैं क्या कह रहा था, आप खुद सोचिए, जिसने सानिया को मारा उसने उस टैटू को खरोच के निकाल दिया था सर, मेरी आर्ट को, इतना फेमस हूँ सर मैं, सर मेरे लिए मेरा आर्ट मेरा सब कुछ है। अब देखिए मैं कितना भी कमीना हो सकता हूँ, कितना भी कुत्ता हो सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम सर बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे लिए मेरा आर्ट मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, और मैं अपने धर्म के साथ सर कभी गद्दारी नहीं कर सकता सर। जब रेप एक्सेप्ट कर रहा है तो मर्डर कैसे नहीं एक्सेप्ट करेगा? सानिया के मर्डर से इसका कोई लिंक ही नहीं मिल रहा है। सर सानिया क्या, किसी भी मर्डर का कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा। कम से कम रेप की चार्जशीट फाइल करो, जहां तक मर्डर की गुत्थी सुलझाने की बात है, सानिया के मर्डर ने उसको कहीं ना कहीं छुपा के रखा होगा, उस जगह को ट्रेस करना होगा हमें। सर जहां हमें लाश मिली वहां का 10 किलोमीटर का इलाका हमने छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे कुछ नहीं मिला, लाश मिलने से पहले उसको कहीं ना कहीं तो रखा गया होगा। सर सनी को बेल मिल गई। क्या, इतने बड़े केस में उसे बेल कैसे मिल सकती है? हमारे पास एविडेंस कहाँ थे देने के लिए, ना ही वो रेप का वीडियो मिला हमें, बेल तो मिलनी ही थी ना। इस तरह के मुजरिम कोर्ट में जाते ही अपना रंग बदल लेते हैं। सर इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस होता है, हम कितनी मुश्किल से किसी मुजरिम को पकड़ते हैं और एविडेंस की कमी की वजह से उसे बेल मिल जाती है। एक काम करते हैं, और विक्टिम्स को ढूंढते हैं, उनसे फिर से पूछताछ करते हैं, शायद उनमें से कोई मीडिया इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाए। मीडिया इंटरव्यू? हाँ, जब ये मामला मीडिया में उछलेगा तो मीडिया वाले और पब्लिक प्रेशर बनाएगी, उस प्रेशर में हम इसे फिर से गिरफ्तार कर सकते हैं, और इस बार तो बेल मिलने से रही। पैंडेमिक के बाद भोपाल का सबसे सनसनीखेज मामला, शहर का जाने माना टैटू आर्टिस्ट सनी सिन्हा टैटू बनाने की आड़ में कर रहा था लड़कियों का बलात्कार। मीडिया में खबर आने के बाद कई लड़कियां सामने आई हैं। सूत्रों की माने तो अब तक 40 से ज्यादा रेप के केसेस दर्ज हो चुके हैं। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इस दिल को दहला देने वाले केस के बाहर आने के बाद आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी तक सभी सकते में आए। आपको बता दें कि सानिया मर्डर केस, जिस केस की जाँच के दौरान इतना बड़ा केस उजागर हुआ, वो अभी भी पुलिस केस फाइलों में अनसॉल्व पड़ा हुआ है। आखिर कौन है वो शातिर अपराधी जो इतने महीनों और पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस को चकमा देने में सफल हो रहा है? सूरज, ये हरजीपुरा तालाब के पास जो हमें चार लाशें मिली थी,
उसके आसपास के एरिया को हमने सर्च किया लेकिन हमें कुछ हाथ नहीं लगा। और सानिया की लाश जहाँ हमें मिली थी वहाँ पे भी आसपास हमने सब सर्च किया, कुछ नहीं मिला। एक काम करो, इन दोनों जगहों के बीच में जितना भी एरिया बसता है सब अच्छे से सर्च करो, कोई भी अबैंडनड एरिया छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, आपको भी लगता है कि चार मर्डर्स और सानिया का मर्डर आपस में कनेक्टेड है? हाँ, शायद सनी भले ही मर्डर ना हो लेकिन उसकी क्लाइंट लिस्ट से ही तो लड़कियों का मर्डर हुआ था। मुझे लग रहा है कि सनी पे कोई ना कोई तो नज़र रखे हुए है। एक काम करो, ये सनी की शॉप के पास जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनका फुटेज चाहिए मुझे पिछले 6 महीने का। ओके सर। खबरी के जरिए कुराना गांव में एक अबैंडन जगह पता चला, शायद वो क्राइम सीन। यहाँ आसपास जितने भी रेस्टोरेंट हैं सब जगह जाके पता करो, 23 जनवरी से लेकर अब तक जितने भी कस्टमर वहाँ पर आए हैं सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। सर यहाँ पास में देवास टोल प्लाजा है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा लेते। इस जगह से और जहाँ पे हमको सानिया की लाश मिली दोनों जगहों के बीच में पड़ता है ये देवास टोल प्लाजा। सर ये देखिए, इस पर खून लगा है, बहुत थोड़ा सा है लेकिन मैं इसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती हूँ, सानिया से मैच होना चाहिए। फॉरेंसिक वालों को बोलो कि यहाँ फैक्ट्री में जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं तुरंत कलेक्ट करें, और फिर चाहे हमारे जितने भी सस्पेक्ट्स हों, चाहे वो आबिद हो, सनी हो, साहिल हो या फिर आकाश, सबसे मैच करवाओ। सर 3 दिन में 15,000 गाड़ियां स्कैन की है, इसमें अपराधी दिख रहा है। गुड जॉब विपुल, ये रेस्टोरेंट की पेमेंट स्लिप पर तेरा नाम है ना, नूडल्स दिए थे तुम्हें वहां से। और ये सीसीटीवी फुटेज में तू ही दिख रहा है ना, टोल प्लाजा क्रॉस करते हुए बॉडी ठिकाने लगाने जा रहा था। लेकिन सर इससे क्या साबित होता है? और सबूत चाहिए, वो क्राइम लोकेशन जहां पे तू लड़कियों को रखा करता था वहां पे तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले। देख, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू अपने गुनाह कबूल कर ले। ठीक है सर, अब और ड्रामा नहीं करता, मैं सीधा सीधा बताता हूँ, उन लड़कियों का मर्डर मैंने किया। सर वो ना बहुत चै चै पै पै करने लग गई थी, वीडियो वापस दे दो, वीडियो डिलीट कर दो, पुलिस वाले को बता दूंगी, आर्मी को बता दूंगी, मीडिया को बता दूंगी, ये वो ब्ला 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 ब्ला। सर इरिटेट हो गया था सर मैं, अब आप बताओ मैं क्या करता, जो चुप रही वो आज भी जिंदा है। सब सब रेप कहते हैं इसे। तू ये बता, तूने सानिया का सर धड़ से अलग क्यों किया, उसको किडनैप करके अपने पास रखा 3 दिन के लिए, उसके बाद क्यों मारा? उससे तो अलग लगा मुझे कुछ, बताया था ना सर मैंने आपको पहले भी, 3 दिन उसे किडनैप करके साथ में रखा तो सब थोड़ी हिंसा हो गई, दुख हुआ सर मुझे भी, मैंने उसे समझा। देख चुप हो जा प्लीज, प्लीज सानिया प्लीज चुप हो जा, चुप हो जा, चुप चुप बिल्कुल चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप 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 हो जा सर। नहीं मानी नहीं मानी, मेरे गला धड़ते अलग कर दिया सर उसका। सब सर 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 उठ साले, तुझे तो जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा मैं। जाम फेस पे मत, क्या है सर फेस का जाम चला जाता है सर सारा। मर्डर, किडनैपिंग, ब्लैकमेल, रेप, इलीगल एक्सटॉर्शन, अबेटमेंट टू सुसाइड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सनी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी उसे। प्रेरणा और साक्षी ने हाई कोर्ट में अपील की है फांसी के लिए। सानिया से सिर्फ एक गलती हुई थी, उसने अपने दिल की बात और अपनी कमजोरियां किसी अनजान आदमी से शेयर की थी। बाकी की विक्टिम्स ने भी वही गलती की,
क्रिमिनल तो हमेशा गलत होता है, लेकिन अगर विक्टिम्स थोड़ा सा और ध्यान दें, थोड़ा सा सतर्क रहें, तो क्राइम का शिकार होने से बच सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।